निर्देशक विकास बहल और मधु मंटेना पर चल रही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी रात भर भी जारी रही। वहीं फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू से पूछताछ की गई, जो रात 11 बजे तक चली। बता दें कि आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में इन सितारों के घर पर छापेमारी की थी। अनुराग और तापसी के साथ ही विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म्स, क्वान, एक्सीड, रिलायंस एंटरटेनमेंट के यहां भी छापे डाले हैं। तापसी और अनुराग कश्यप के अलावा मधु मंटेना, विकास बहल, कई अन्य के यहां भी कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग की कार्रवाई की आज भी जारी रहेगी। आयकर विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि विभाग की ओर से अनुराग कश्यप के एक ऑफिस समेत कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने में 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हम बेहद सावधानी के साथ अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों के पास पहले से मौजूद सबूतों के आधार पर पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि मुंबई और पुणे में करीब 20 से 22 स्थानों पर आयकर विभाग की टीम द्वारा तलाशी ली गई है, जिसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, मधु मंटेला और कई अन्य के अलावा फैंटम फिल्म्स तथा 3 अन्य संस्थानों के ऑफिस शामिल हैं। अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विक्रमादित्य मोटवाने और विकास बहल ने मिलकर 2011 में फैंटम फिल्म्स की स्थापना की थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में ये कंपनी बंद हो गई। सूत्रों का कहना है कि कंपनी और इनकी ओर से दायर रिटर्न मेल नहीं खाते हैं, ये सीधे तौर पर टैक्स की चोरी का संकेत है। पन्नू और कश्यप दोनों को कई मुद्दों पर अपने विचार रखने में मुखर होने के लिए जाना जाता है। वहीं आयकर विभाग की कार्रवाई पर कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठनों ने केंद्र सरकार की निंदा की है। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हम समझते हैं कि छापे किसानों का समर्थन करने पर सरकार की बौखलाहट को दर्शाते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने आयकर विभाग की छापेमारी को सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई करार दिया है।